ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ से जुड़ा इसे मिथक माना जाए या आंकड़ों का अनूठा संसार, लेकिन ये 100% सच है, चित्तौड़गढ़ सीट को फतह करने वाली पार्टी ही राजस्थान में अपनी सरकार बनाती चली आ रही है। पिछले 4 दशक से तो यही सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक बड़ा सच ये भी है कि सीट से कोई भी विधायक लगातार दूसरी बार चुनाव जो है वो जीता ही नहीं है। ऐसे में मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आकिया की मुसीबतें इस मिथक ने जाने अनजाने में ही सही बढ़ा जरूर दी है, और यही मिथक कई बार विधायक को टिकट देने और टिकट काटने में अहम रोल भी निभा जाता है। ये खास रिपोर्ट भी देखिएगा। इतिहास के पन्नों पर दर्ज चित्तौड़गढ़ से पिछले 14 चुनाव में अब तक किसी भी पार्टी का प्रत्याशी लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीत पाया। 3 नेता ऐसे हैं जो 2 बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं, लेकिन लगातार कोई भी जीत पाने में सफल नहीं हो पाया। फिलहाल यहां से भाजपा के चंद्रभान सिंह आकिया विधायक हैं और वो फिर से टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। कांग्रेस में पिछली बार आकिया से हारे विधानसभा के पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह जाड़ावत फिर दावेदारी जता रहे हैं। जयपुर के विद्याधर नगर से विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी चित्तौड़गढ़ से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। क्षेत्र से सर्वप्रथम 1952 के चुनाव में भारतीय जनसंघ के प्रताप सिंह विधायक का चुनाव जीते थे। 1977 के चुनाव में डूंगरपुर राज परिवार के लक्ष्मण सिंह यहां विधायक चुने गए थे, जो बाद में 1985 में फिर विधायक चुने गए। इसके बाद भाजपा के नरपत सिंह राजवी 1993 में विधायक का चुनाव जीतने के बाद 1998 में हार गए, लेकिन 2003 के चुनाव में फिर यहां से विधायक चुन लिए गए। कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह जाड़ावत भी यहां से 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इनमें 1998 और 2008 में जीत हासिल हुई, तो 2003 और 2013 में हार का सामना करना पड़ा। 2013 में बीजेपी के चंद्रभान सिंह आकिया चित्तौड़गढ़ से विधायक बने तो प्रदेश में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी। 2008 में कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह जाड़ावत विधायक अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी। 2003 में नरपत सिंह राजवी ने सीट निकाली तो बनी भाजपा सरकार। 1998 में सुरेंद्र सिंह जाड़ावत जब चुनाव जीते तो बनी कांग्रेस सरकार। 1993 में नरपत सिंह राजवी ने चुनाव जीता, बनी भाजपा सरकार। 1990 में जब भाजपा के विजय सिंह झाला विधायक बने तो बनी भाजपा सरकार। 1985 में कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह ने चुनाव जीता तो बनी कांग्रेस सरकार। 1980 में यहां से कांग्रेस विधायक शोभराज ने सीट निकाली तो कांग्रेस की सरकार बनी। ऐसे में इस चुनाव में देखना होगा कि चित्तौड़ का ये मिथक टूटता है या जारी रहता है। मदन कलाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़।